वे गाइस, मैं और मां आज की वीडियो में हम लाए हैं कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। इजीली वेट लॉस करने के आराम से घर बैठकर आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल कीजिए और आपका वेट लॉस जल्द से जल्द होगा। तो फर्स्ट में आते हैं फनल सीड। फनल सीड को आप डेली अपनी डाइट में यूज़ कीजिए। फनल सीड लेकर आपको एक चम्मच लेना है। सुबह उठते ही आपको फनल सीड्स को पानी में डालना है। एक गिलास पानी में उससे डालकर आप उन्हें गर्म कर दीजिए। गर्म करना इतना है कि आपको नॉर्मली पी जा सके। तो फनल सीड्स को बाहर निकाल दीजिए और जितना फनल सीड का पानी होगा उसे आप पी दीजिए। पीने की वजह से आपका जितना भी वेट लॉस होगा, एक महीने में आपको विजिबल रिजल्ट्स इतने मिल जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि यह 5 से 10 किलो वैसे निकल गया। तो फनल सीड्स का इतना फ़ायदा। नेक्स्ट में आते हैं ब्रेकफास्ट से पहले आप कार्डियोज़ करें। कार्डियोज़ की ये वीडियो है, तो आप बस इसे कार्डियोज़ करना है। तो इसी तरीके से आपको इस पोजिशन में करना है, तो इसकी वजह से भी आप वेट लॉस तेज़ी से कर पाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं कि आपको हर दिन में एक दिन में एक से या दो टमाटो जूस पीना है। तो टमाटो जूस आप पीने की वजह से आपका वेट लॉस भी तेज़ी भी होगा और इसकी वजह से आप में जितनी भी चर्बी वगैरह होगी वो भी ईजिली निकल जाएगी। नेक्स्ट में आता है कि आपको सोना है। सोना आपको 7 से 9 घंटे तक है। 7 से 9 घंटे की अगर आप नींद लोगे, अच्छी तरीके से सोओगे, तो आपका वेट लॉस तेज़ी होगा। सोना आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि सोने से बड़ा वेट लॉस कैसे हो सकता है, तो होता है भाई। आप ट्राई एक बार कीजिए, इजीली वेट लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम इसको दीजिए, एक महीने के अंदर अंदर आपको विजुअल रिजल्ट इसके भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट में आता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग आपको करनी है। पता है कि घर पे अगर जो तो कर सकते हैं वो तो कर लें, क्योंकि इसका बेनिफिट है। वेट जब भी आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उसकी वजह से आपको पसीना आएगा, जिसकी वजह से वो वेस्ट निकल जाएगी और आपकी बॉडी इन शेप में आने जाएगी। तो 30 से 60 मिनट तक की आपको ये वर्कआउट करना है। अपने घर पर कीजिए, चाहे जिम ज्वाइन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज बाकी के पॉइंट्स हैं, आपका अपना वेट लॉस घर पर बैठ के भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है आपको जितने खाने हैं उन सभी को साइड में कर दीजिए। और प्रोटीन जिन खानों में ज़्यादा होते हैं उनको खाइए। प्रोटीन की वजह से मसल गेन होगा आपको, उसकी वजह से मोटापा नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ मसल गेन होगा। और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल गेन्स के ऊपर आपकी बॉडी शेप में आना शुरू कर देगी, अदरवाइज वो सिर्फ पेट भरेगी आपका, तो मोटापा उसकी वजह से नहीं बढ़ेगा। लास्ट में आता है कैलोरी डेफिशिएंसी। कैलोरी डेफिशिएंसी आपको करनी होगी, क्योंकि खाना जो भी है आपको प्रोटीन में खाएंगे। अदरवाइज अगर कैलोरीज आप जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे आपका वेट गेन होगा, वेट लॉस नहीं होगा। तो कैलोरी चार्ट मैंने आगे बनाना है, तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैलोरी चार्ट्स के ऊपर के साथ साथ मैं और हेयर केयर के ऊपर भी बनाने वाला हूँ वीडियो। तो और साथ ही साथ जितने भी आपको लाइफ के और फैक्ट्स वगैरह होंगे या ट्रिक्स वगैरह होंगी और जितना भी वगैरह आपको फेस की प्रॉब्लम्स होगी या और वेट लॉस के ऊपर या वेट गेन के भी ऊपर, वो सभी की वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।